आप मेरे इस हैंड पे शाइन देख सकते हैं कि इस पे कितनी ज्यादा शाइन है, देखें आप। और आप इस हाथ को देखें मेरे, इसको देखें और इसको देखें, कितनी ज्यादा। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फीडबैक लेकर आई हूँ, जो कि स्पेशली अगर आपकी फेस पे एंटी एजिंग प्रॉब्लम हो गई है या फिर आपकी स्किन डल पड़ रही है, फेस पे टैनिंग हो गई है, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक बताने जा रही हूँ, जिसके यूज से बहुत ही कम टाइम में आप अपनी इस प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए निकल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कुछ ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा एक आलू यानी कि पोटैटो, और इसको नॉर्मली आपको बॉईल करना होगा। और फिर इसके साथ आपको जो दूसरी चीज चाहिए होगी वो है नॉर्मली आपका शहद। फ्रेंड, इसमें मेरा शहद है, और शहद ये जो अगर आपको देसी शहद मिल जाए या असली शहद मिल जाए तो बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, नहीं तो आप बाजारी शहद भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये शहद चाहिए होगा इसमें, और जो तीसरी चीज चाहिए होगी इसमें वो चाहिए होगा मुझे मिल्क। और जो इसमें जो मैं तीसरी चीज मुझे चाहिए वो है मिल्क, तो फिर इसमें मैं मिल्क का यूज करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आलू को बॉईल कर लूंगी, जो कि मैं आपको बता देती हूँ उसके आगे आपको क्या करना है, उसको किस तरीके से मिला के किस तरीके से आपको तैयार करना है। सो गाइस, मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद इसको इस तरीके से मैश कर लिया है। इसकी क्वांटिटी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है, बाकी आप अपने फेस के अकॉर्डिंग लें इसको। इस आलू को आप फेस पैक बनाने के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद इसमें मैं मिलाऊंगी एक चम्मच शहद। इसके अंदर मेरे को डालना है एक चम्मच शहद। ये देखिए, मैंने इसमें एक चम्मच शहद मिला लिया है। और अब जो इसमें मैं तीसरी चीज मिलाऊंगी वो है दूध। फ्रेंड, इसका मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है कि इसका क्या होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका मतलब टाइम खराब हो, बट अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे मतलब कमेंट में जरूर बता दें कि अगर आप इसको डिटेल में चाहेंगे कि किस चीज से क्या होता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट अगर आपका टाइम खराब ना हो तो इस वजह से मैंने ज्यादा इसकी डिटेलिंग नहीं की है। तो इसको मैं थोड़ा सा और इसमें मिला लूंगी दूध, जो कि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाए, ताकि ये, अब देखें मैंने इसमें इसको मिला लिया है अच्छे से। अब इसको नॉर्मली आप किसी भी ब्रश की हेल्प से, वैसे ब्रश की हेल्प से तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ये वो भी हो जाएगा, तो आप इसको अपने हैंड्स की हेल्प से ही इस तरीके से लगा लें अपने फेस पे, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से इसको लगा के 20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं आपको 20 मिनट इसको लगा के अपने हाथों पे, इसके बाद मैं आपको 20 मिनट बाद दिखाऊंगी कि जो कितना इंस्टेंट वर्क करता है, कि 20 मिनट के बाद ही आपको अपने हाथ पे इसका फर्क दिखने लगेगा कि इसको लगाने के बाद आपका हाथ कितना मतलब हमने इसमें दूध मिलाया है तो दूध से हमारी स्किन काफी ज्यादा मतलब रंग हमारा साफ होता है, और ये शहद है इसका भी काफी अच्छा यूज है। तो मैं आपको 20 मिनट के बाद ये हैंड दिखाऊंगी कि इस पे किस तरीके का ये इसने वर्क किया है। तो इसको सूखने के बाद मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ, अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ कि मतलब इसके वॉश करने के बाद इसका क्या रिजल्ट है। पहले मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लूंगी प्रॉपर। मैंने इसको प्रॉपर वॉश कर लिया है और इसको आपके सामने साफ कर लिया है।
गाइस शायद आप मेरे इस हैंड पे शाइन देख सकते हैं, किस पे कितनी ज्यादा शाइन है देखें आप, और आप इस हाथ को देखें मेरे, इसको देखें और इसको देखें, कितनी ज्यादा शाइन है इस पे आप देख सकते हैं, इन दोनों हाथों में से इस पे कितनी ज्यादा शाइन है देखें आप। सो फ्रेंड, आप अगर इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे जो भी ग्लो जा चुका है, जैसा भी अगर आपके स्किन पे स्पॉट्स हैं, ये स्किन डल पड़ रही है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, मैंने इसके पैक लगा के अब इसके ऊपर से वॉश कर दिया है और इसको मैंने ड्राई भी कर लिया है। फ्रेंड, आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा सॉफ्ट, मतलब कितना ज्यादा शाइन कर रहा है, क्योंकि सॉफ्ट हो गया है, ये आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। फ्रेंड, ये बहुत अच्छा फेस पैक है एंटी एजिंग के लिए, आपके स्पॉट के लिए, आपके चेहरे को अच्छी निखार देने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए। तो अगर आपको ये पसंद आए मेरा वीडियो, तो आप इसको जरूर ट्राई करें, वन टाइम यूज करके देखें, क्योंकि मुझे इतना यकीन है आप एक बार के यूज में ही इसका फर्क देख पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।